बताना चाहूँगा, ये प्रिंटर मशीन है, ये प्रिंटर मशीन आपका टू कलर सिंगल कलर का जो भी आपका प्रिंटिंग करना है, आपको टी शर्ट प्रिंटिंग करना है या साड़ी के बॉक्स प्रिंटिंग करना है, कवर प्रिंटिंग करना है, चप्पल प्रिंटिंग करना है, थैलो प्रिंटिंग करना है, हर तरीके की आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये मशीन आपका 2 लाख रुपये से स्टार्टिंग है। कम से कम बजट में आप इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप कुछ देख सकते हैं किस तरीके से प्रिंटिंग करे हुए हैं। ये कवर है आपका, ये आपका कवर किस तरीके के होता है, जिसे आपने बॉक्स लेमिनेट बॉक्स जो होते हैं चप्पल के बॉक्स होते हैं, ठीक है, उस पर प्रिंट कर सकते हैं। और आपका नोटबुक का प्रिंटिंग कर सकते हैं, नोटबुक के कवर पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, चप्पल पे प्रिंटिंग कर सकते हैं और थैलों पे प्रिंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, टी शर्ट प्रिंटिंग कर सकते हैं। कुछ देखिए, मैं इस तरीके से पहना हुआ हूँ, आप इससे प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी कई तरीके की प्रिंटिंग कर सकते हैं आप, कम बजट में, कम से कम लो में आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। मशीन कुछ इस तरह से होती है, देख सकते हैं आप। ये फर्मा होता है, डिज़ाइन आपकी जैसी भी, आप पे डिपेंड करता है किस तरीके की आप डिज़ाइन चाह रहे हैं। तो ये केवल फर्मा आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी मशीन यही रहेगी, ऑटोमेटेड मशीन है। बस फर्मा सेट करा, फर्मा लगाया, कलर आपको किस तरीके से डालना है तो कलर कुछ इस तरीके से डालना है, आपको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ये नॉन वुवन बैग, ये कपड़े के थैले होते हैं, इस पर आप प्रिंटिंग कर सकते हैं कम बजट में। वैसे तो आपका 11 लाख 15 लाख 20 लाख का आता है, लेकिन ये कम से कम बजट में है। ये 2 लाख रुपये से स्टार्टिंग मशीन है और 2.5 लाख 1.5 लाख और तो और कम बजट में आप फ्रेम बना के भी आप काम कर सकते हैं। इस पर देख सकते हैं आप किस तरीके से ये प्रिंट करा गया है, ऑटोमेटिक प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये कपड़ों के थैले पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है ना, चप्पल की स्लीपर प्रिंट कर सकते हैं, स्लीपर पे भी प्रिंट कर सकते हैं। देख रहे हैं ये आपका बॉक्स वगैरह पे लेमिनेट बॉक्स पे भी प्रिंट कर सकते हैं, नोटबुक का जो कवर आता है उस पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखा होगा कि हर तरीके का आपको प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मशीन कम बजट में और अच्छे, आप हर काम में आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, और कम बजट में आप अपना प्रिंटिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। शादी के कार्ड वगैरह आप छापिए, कुछ भी आप छापिए और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वर्किंग करती है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं, तो प्रोसेस में कुछ खास नहीं है, आपको बस जिस भी कलर का प्रिंट करना है वो कलर आपको मशीन में डाल देना होता है ऊपर फर्मा के ऊपर, और जिस भी चीज़ पे प्रिंट करना होता है उसको नीचे लगाना पड़ता है। तो मान लेते हैं हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं ये नॉन वुवन बैग, तो नॉन वुवन बैग को इसके नीचे लगा दिया और कलर हम पहले ही इस मशीन के फर्मा में डाल चुके हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसमें प्रिंट ये किया जा सकता है। सिर्फ नॉन वुवन बैग ही नहीं, इसके अलावा आप इससे बहुत कुछ प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब आपको चप्पल प्रिंट करके दिखाते हैं। चप्पलों को प्रिंट करने भी काफ़ी आसान है, जो भी जिस भी साइज़ की आपको चप्पल प्रिंट करनी है वो चप्पल आप इस फर्मा के नीचे रख दीजिए। हम यहाँ पर चप्पलों को रख देते हैं और उसके बाद मशीन का बटन दबाना होता है। जैसे ही आप मशीन का बटन दबाएँगे तो अपने आप ये प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ एक बार में ही अच्छी क्वालिटी का प्रिंट हो जाता है। देखिए ये भी चप्पल भी अच्छी तरीके से प्रिंट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फर्मा चेंज करना होता है। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद ना आ रही हो तो आप नई और डिज़ाइन की भी इसमें प्रिंट कर सकते हैं, या कुछ लिखकर आपको अगर प्रिंट करना है तो आप लिखकर भी इस पर प्रिंट कर सकते हैं। बस यहाँ ऊपर जो फर्मा लगा हुआ है लकड़ी का, वो फर्मा यहाँ बस चेंज करना होता है। और चप्पलों को देखें तो पहले से प्रिंट की हुई यहाँ पर बहुत सारी चप्पल रखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी का, अच्छी तरह की क्वालिटी का प्रिंट हुआ है। चप्पलों के बॉक्स भी यहाँ इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है उस तरह लिखा हुआ भी प्रिंट कर सकते हैं। अभी इस मशीन में सिर्फ एक ही यहाँ फर्मा है, तो आपको हम एक ही फर्मे से दिखा रहे हैं एक ही तरह की डिज़ाइन, लेकिन आपको जब मशीन खरीदेंगे, अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, तो आपको कई सारे फर्मे लेने होंगे अलग अलग डिज़ाइन के। ये काफ़ी सस्ते होते हैं फर्मे, ज़्यादा महंगे नहीं होते, तो इन फर्मा बस आपको चेंज करना होता है, जिसको हम डाई भी कहते हैं, तो बस वो चेंज करनी होती हैं आपको, और अलग अलग तरह के इस पर प्रिंट कर सकते हैं। नोटबुक पे भी इस पर आसानी से प्रिंट किया जा सकता है, नोटबुक को जहाँ भी प्रिंट करना है वहाँ रख दिया जाता है और उसके बाद मशीन को ऑन कर दिया जाता है, और देखिए नोटबुक पर भी कितने अच्छे तरीके से इस पर प्रिंट हुआ है। तो आप इसमें नोटबुक के अलावा आप टी शर्ट वगैरह, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ आप प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी ये मशीन के बारे में, प्रिंट मशीन के बारे में जानकारी। ये इस मशीन को लेकर के आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी ये अच्छी नहीं लगी या फिर अच्छी लगी है, तो आप
वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मशीन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेकर के कंपनी को कॉल कर सकते हैं और मशीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नई जानकारी या फिर एक नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।